नमस्कार मित्रों, हूँ प्रकाश चौधरी, अपना सौनी सहियारी यूट्यूब चैनल पीसी मैथ्स मास्टर में आप सर्वे नु स्वागत करू छू। मित्रों, आज आप करी शीखी ऑगस्ट मास अंक 3 एम धोरण 8 नी अंदर समाज विज्ञान प्रवृत्ति नो अभ्यास करीशू। मित्रों, अँ प्रथम व्यापारी शासक कई रीते बन्या एनी वात करिए तो अँ मित्रों आप शू करीशू के अँ जी माहिती आपी छे माहितीनी आपणे चर्चा वधारे करता नथी, बराबर। पण जे अंदर खाली जग्याओ के आपी छे आपणे समजी अने लखवानी छे, तो अँ मित्रों आज फकर जी माहिती आपी छे माहिती तमारे वांचवानी छे अने एने समझवानी छे। अहींया एक क्यूआर कोड आप्यो छे, कोड स्केन करी अने तमारे मंगल पांडेना केटलाक दृश्यो आप्या छे ए जोवाना छे अने समझवाना छे। मित्रों, अंग्रेजोए आपणा देश पर केवी रीते राज कर्युं तो एना विशेनी केटलीक एमनी कूटनीतिओ छे तो आपणे जोई लईए। भागला पाडो अने राज करो तो एना विशेनी जी माहिती आपी छे तमारे वांचवानी छे अने एने समझवानी छे। केवी रीते आपणा देशनी अंदर आया तो फक्त व्यापारमां रस छे एम कहीने आया था, कोई दखलगीरी करीशुं नहीं, त्यारबाद एमने दखलगीरी करवानुं पण शरूआत करी दी। युद्ध ने प्रोत्साहन आप्युं अने भेदभावनो उपयोग कर्यो अने युद्ध ने प्रोत्साहननी अंदर जे प्रचलित युद्ध छे चौथुं मैसूरनुं युद्ध अने त्यारबाद बीजुं मराठा युद्ध। त्यार पछी एमने जे सौथी महत्वनी जे नीतिओ अपनाई एमां खालसा नीति अने सहायकारी योजना, तो आ जे योजनाओ छे एना अंतर्गत आ नीतिओ अंतर्गत ए पोतानुं शासन स्थापवामां सफळ रह्या हता। मित्रों, तमे जे बधी माहिती वाँचो अने एने समजवानो प्रयत्न करी पछी आ खाली जग्याओ लखवानी छे। तेमां प्रथम खाली जग्या लॉर्ड वेलेस्ली युद्ध खालसा नीति अने खाली जग्या द्वारा भारत ने कंपनी में सर्वोच्च शक्ति बनावानो प्रयास कर्यो, तो मित्रों अहीं कई आवे तो के सहायकारी योजना। बे, लॉर्ड वेलेस्ली चौथुं मैसूर युद्ध खाली जग्या सामे लड्या। 1799 मैसूरना मोटा भागनी क्षेत्रने जोड़ीने अने तेनो एक भाग पाछला हिंदू शासक ने पाछो आप्यो जे अंग्रेजोनो आश्रित साथी बन्यो, तो अहींया कोनी सामे लड्या था, तो टीपू सुल्तान सामे। त्रीजी खाली जग्या 1803 थी 1805 नी वच्चे वेलेस्ली बीजू युद्ध खाली जग्या लड्या। पेशवा बाजीराव साथे पेटा कंपनी जोड़ाण पर हस्ताक्षर कर्या। भोसले अने सिंधिया ने पराजित कर्या पछी पेटा सहायक संजीव पर सही करवा दबाण कर्युं, तो अहीं कोनी सामे लड्या था, तो मराठा सामे। त्यार पछी आगळ चौथी खाली जग्या छे मित्रों, तो चौथी खाली जग्या नी अंदर लॉर्ड वेलेस्लीए तांजोर सूरत अने कर्नाटकना प्रदेशोनो हवालो खाली जग्या अने फरुखाबादना बादनो प्रदेश पोताने हवाले लीधो, कारण के तेनो शासक सगीर हतो। तो मित्रों अहींया खाली जग्या अहींया खोटी छपाई छे, कारण के आ भूल छे, अहींया आमां आपणे कोई जवाब लखवानो रहेतो नथी। कदाच एमने आप्यो तो आ रीते आपी शको कि लॉर्ड वेलेस्ली तांजोर सूरत अने कर्नाटकना प्रदेशोनो हवालो अने खाली जग्यानो प्रदेश पोताना हवाले लीधो, तो अहींया कयो आवत? फरुखाबाद आवत। पांचमी, लॉर्ड वेलेस्ली साथेनी जोड़ाण खाली जग्याने संधि पर हस्ताक्षर करनारा बधा शासकोने अंग्रेज सैन्य राखवाना बदलामां तेमना प्रदेशनो एक भाग कंपनीने सोंपवानी फरज पड़ी, तो अहीं कयो आवे? तो के सहायकारी योजना। तो जुओ, लॉर्ड वेलेस्लीना समयमां भारतमां अंग्रेजोनी नीतिओ एमनो सत्ता स्थापवा अने तेमनो विस्तार वधारवा माटे कई नीतिओ अपनाई हती? तो युद्ध खालसा नीति अने सहायकारी योजना। तो मित्रों आ केटलीक माहिती छे, तमारे वांचवानी छे अने एने समजवानी छे, बराबर। त्यार पछी जुओ, अहीं विचारो, मंथन करो अने लखो। हमणाना समयमां मोटी संख्यामां आंतरराष्ट्रीय कंपनीओ भारतमां तेमना व्यवसाय स्थापवा माटे आवे छे। गुजरात सहित अनेक राज्योमां आंतरराष्ट्रीय कंपनीओ स्थापित छे। शुं तमने लागे छे कि आ कंपनीओ आगामी 50-100 वर्षोमां भारतनो कब्जो संभाळी शके छे अने राज करी शके छे? जो हा तो केम, ने जो ना तो केम? तो मित्रो अहींया जे खाली जग्या आपी छे एनी अंदर तमारे लखवानुं छे, पण नीचे आपेला जग्यामां तमारा मंतव्यो अने विचारो रजू करो। हुं अहींया मारा मंतव्यो रजू करू छुं तो के ए हवे कंपनीओ आपणा भारत पर राज करी शके नहीं, एटले के ना, कारण के अत्यारना समयमां भारत देशमां लोकशाही शासन व्यवस्था होवाथी चोक्कस प्रकारनी नीतिओ घड़ायेली छे। एटले के ए कंपनीओ भारतमां मात्र व्यापार ज करी शके छे, ज्यारे भारतनो कब्जो कोईपण प्रकारे लई शकती नथी। જ્યારે 17મી અને 18મી સદી દરમિયાન આવી કોઈ નીતિ ઘડાયેલી હતી નહીં। ભારતમાં અત્યારે ચોક્કસ બંધારણ અને નીતિ નિયમો છે, જે મુજબ જ અત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ વ્યાપાર કરી શકે છે। જો કોઈ કંપની નિયમોની વિરુદ્ધ જઈને સત્તા સ્થાપવાનો પ્રયાસ કરે તો તેની સામે કાર્યવાહી માટેના ચોક્કસ કાયદાઓ છે। હવે મિત્રો નીચે ટિપ્સ આપી છે કે હાલનું પ્રજાસત્તાક ભારત ઈસવીસન 1700ના ભારતીય ઉપખંડથી કેવી રીતે અલગ છે, તો મિત્રો આ તમારે જાતે વિચારી અને લખવાનું છે। એટલે કે હાલનું ભારત જે છે એ બરોબર અને 1700ની પહેલા 1700નું, તો બે, શાસન એટલે શું? ભારત પાસે આજે કેવા પ્રકારનું શાસન અને સહાયક માળખા અને નીતિઓ છે? તો મિત્રો આપણા દેશમાં અત્યારે લોકશાહી શાસન છે, એટલે કે લોકો વડે, લોકોથી અને લોકો માટે ચાલતું શાસન, બરોબર।
तो हवे मित्रों अहींया तमारे न ख्याल आव्या बन्ने प्रश्नो तो तमारे तमारा वडीलोनी सलाह लेवानी छे, एमने पूछवानुं छे अथवा तमे तमारा शिक्षकने पण पूछी शको छो। पण ए पहेला तमारे जाते एना उपर थोड़ू मंथन करवानुं छे, त्यार पछी एना तमारे जवाबो तमारा नोटमां लखवाना रहेशे।